हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स बराबर बी। ये फॉर्म हो तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि मैट्रिक्स की होंगी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए बिलोंग्स टू एम क्रॉस एन, यानी एम जो है उसमें रो है एन कॉलम है, एंड द वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू आर एन, जो वेक्टर है वो है एक्स। तो ए बराबर ये है, एक्स बराबर ये है। वी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एक्स एज अ वेक्टर ए एक्स। तब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर होता है, बेसिकली ए एक्स एन आर एम गिवन वाई। बेसिकली जैसे कि इसका मल्टीप्लाई, पहले ए वन वन का मल्टीप्लाई जो होगा वो एक्स वन से होगा जो कि यहाँ पर है, प्लस ए वन टू मल्टीप्लाई एक्स टू ये यहाँ पर है, प्लस डॉट डॉट इसी तरह से ए वन एन मल्टीप्लाई बाई एक्स एन, ये है हमारे पास। अब फ्रेंड्स इसी तरह से सेकेंड टर्म के लिए ए टू वन एक्स वन, तो ये रहा ए टू टू एक्स टू, ये रहा। इसी तरह से ए टू थ्री, यहाँ पे ए टू थ्री एक्स टू थ्री भी आएगा। इसी तरह से ए टू एन एक्स एन जो कि फाइनल टर्म है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो मैट्रिक्स आया है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो हमारे पास इसमें एन रो है एंड कॉलम एक है, तो ये भी एक वेक्टर है। वेक्टर जो है वो एन रो और वन कॉलम का एक मैट्रिक्स होता है, तो ये भी एक वेक्टर है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम देख समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है। यदि एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो अगर मैट दो यहाँ से हम एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। अगर दो मैट्रिक्स सपोज ए एंड बी, तो उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, ए क्रॉस बी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, अगर ए क्रॉस बी है और ये एम क्रॉस एन का है तो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स को एन क्रॉस और समथिंग पी का होना चाहिए। और अगर कई बार हमारे पास ये डिफाइन है कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों डिफाइन है, बी क्रॉस ए दोनों डिफाइन है, तो उस कंडीशन में अगर ए जो है एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो बी क्या होगा, एन क्रॉस कुछ सम सपोज बी। और तो इस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास बी बी क्या है, एन क्रॉस पी का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स होना चाहिए, ये किसका मैट्रिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए पी क्रॉस एंड समथिंग, यानी कि एन तो है ही। तो ये बेसिकली क्या था, ये एम क्रॉस एन, तो यहाँ एम क्रॉस एन का होना चाहिए, यानी पी बराबर जो होना चाहिए वो एम होना चाहिए, पी बराबर एम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली ए और बी जो है दोनों ही, अगर ए जो है वो होगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास प्रूफ हुआ ए जो है वो एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, तो बी बराबर जो है वो एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कंप्यूट ए एक्स, बेसिकली दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे जैसे ए एंड एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो फर्स्ट ये रो है इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस, और ये माइनस का मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो प्लस फोर, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं है, सॉरी मैं एक्स नहीं लिखना, तो वन का मल्टीप्लाई टू से होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टू, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस फोर से होगा प्लस, और ये हो जाएगा फोर। अब थ्री का मल्टीप्लाई माइनस थ्री से होगा तो प्लस, और माइनस का नाइन, और जीरो का मल्टीप्लाई एट से होगा तो ये जीरो, तो ये हो गया हमारे पास अब माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री आ गया। इस तरह से अगर हम इसका मल्टीप्लाई डिफाइन करें नीचे वाली टर्म का, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स निकालना है हमें बेसिकली ए एक्स निकालना है, तो थ्री का मल्टीप्लाई वन से होगा, थ्री का मल्टीप्लाई वन से होगा तो थ्री, थ्री का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो, प्लस माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस वन से होगा तो ये हो जाएगा टू, और इधर इस टर्म का मल्टीप्लाई फिर इससे होगा तो ये हो जाएगा फोर का मल्टीप्लाई जीरो वन से होगा, फोर का मल्टीप्लाई वन से होगा तो फोर, माइनस फोर का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो प्लस जीरो,
माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन से होगा तो प्लस वन। तो ये हो गए हमारे पास फाइव एंड फाइव का मैट्रिक्स। इसको हम क्या और भी क्या लिख सकते हैं, फाइव को अगर कॉमन ले लें तो वन वन, इस तरह से मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स किसका था फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स था हमारे पास टू क्रॉस थ्री ऑर्डर का। तो ये कब मल्टीप्लाई डिफाइन हुआ था, ये अगर टू क्रॉस थ्री का है तो एक्स को क्या होना चाहिए, थ्री क्रॉस कुछ समथिंग, तो वन का था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखें मतलब फाइनल जो हमारे पास निकला है वो क्या निकला है, टू क्रॉस वन का, टू क्रॉस वन का, यानी इस तरह से तो डिफाइन होना चाहिए ये जो नियर नंबर है ये डिफाइन होंगे, और जो मैट्रिक्स निकल के आएगा वो टू क्रॉस वन यानी कि इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पे देखें तो ये मैट्रिक्स था हमारे पास वन क्रॉस फोर का, और ये था हमारे पास फोर क्रॉस वन का। तो इस तरह से तो डिफाइन होना चाहिए, और जो नया मैट्रिक्स आया था वो जो कि कॉन्स्टेंट नंबर आया था माइनस थ्री। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। जैसे अगर इसको हम देखें तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास थ्री क्रॉस फोर का, सॉरी पहले नंबर ऑफ रोज नंबर है फोर क्रॉस थ्री का, एक्स जो है वो है हमारे पास थ्री क्रॉस वन का। तो यहाँ से डिफाइन है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा वो किसका आएगा, फोर क्रॉस वन का। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, अगर ए जो है वो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है फॉर एनी वेक्टर यू एंड बी इन आर एन, कोई दो वेक्टर है यू एंड बी इन आर एन, देन उस कंडीशन में हमारे पास अगर ए पे दोनों के सम पे हम अप्लाई करें यू प्लस बी, तो वो एक जो है वो दोनों पर अलग अलग मल्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं ए यू प्लस ए बी। और अगर किसी हम कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर एक वेक्टर यू है और कॉन्स्टेंट जो है वो सी है, तो उस कंडीशन में सी जो है वो बाहर आ जाता है, सी जो है वो बाहर आ जाता है, यानी कि सी ए यू हो जाएगा। तो जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल है, फॉर द गिवन वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम 4.3, जो थ्योरम होल्ड कर दिया, नहीं ए जो है ये है, यू ये है, वी ये है और सी ये है, अब सारी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो बेसिकली अगर ए यू निकालते हम तो ए यू निकालते तो आ जाता हमारे पास ये आ जाता थ्री माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री एंड माइनस नाइन, और ये आ जाता माइनस टू, और ये आ जाता हमारे पास प्लस थ्री। तो ये आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास माइनस सिक्स एंड वन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं ए वी, तो बेसिकली वी जो है ये है थ्री का मल्टीप्लाई, इस टर्म थ्री एंड माइनस थ्री का मल्टीप्लाई बेसिकली थ्री एंड माइनस थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सिक्स एंड नाइन, और जब टू का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से फोर, और वन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन, तो ये आ गया नाइन थ्री। अब हम देखते हैं यू प्लस वी, यू प्लस वी बेसिकली इन दोनों का ऐड करने पर यह आ जाएगा हमारे पास वन, और यहाँ पे थ्री एंड माइनस वन जो है वो टू। अब इनका मल्टीप्लाई यानी कि ए का मल्टीप्लाई, तो थ्री का मल्टीप्लाई इससे करेंगे वन से, तो थ्री ये थ्री आ जाएगा फ्रेंड्स। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का सिक्स, तो बेसिकली ये आ गया माइनस थ्री एंड फोर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम दोनों को ऐड करने से पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की थी, जब ए यू का मल्टीप्लाई किया था तो थ्री का जब मल्टीप्लाई इससे किया था ये माइनस थ्री आएगा, यानी कि ये आएगा अंदर जो आएगा वो आएगा माइनस ट्वेल्व एंड वन, तो माइनस ट्वेल्व एंड वन आएगा। अब अगर दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे बेसिकली हम इन दोनों को भी ऐड करना है, दोनों सॉल्यूशंस हैं। जब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए नाइन एंड माइनस ट्वेल्व, माइनस नाइन एंड माइनस ट्वेल्व माइनस थ्री, एंड यहाँ पे थ्री प्लस वन इक्वल टू फोर, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसी तरह से फ्रेंड्स सेकेंड प्रॉपर्टी को भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे इसमें हम पहले सी और यू का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी और यू का मल्टीप्लाई माइनस टू का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से हो जाएगा, उसके बाद ये निकालेंगे, और उसके बाद दूसरे मेथड में हम सी को बाहर निकाल के ए यू निकालेंगे। तो इस तरह से सेकंड वैल्यू को भी, सेकंड प्रॉपर्टी को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक
यू फ्रेंड्स।